हेलो फ्रेंड्स, मैं कुमार तेजस आप लोग के स्लैब चैनल में स्वागत करता हूँ। तो कैसे हैं आप लोग? आप लोग की तैयारी कैसे चल रही है? आशा करूँगा आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। अब तो MTS भी आ चुका है, MTS में लगभग 11,000 प्लस पोस्ट है, तो इस पर हमें बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिली है। ठीक है, तो इस चीज़ को हमको ग्रैब करना है चारों तरफ से। इस साल हमें रेजोल्यूशन लेना है, ठानना है कि इस साल हमें किसी न किसी पोस्ट पर चले जाना है, चाहे वो MTS हो, CHSL हो, CPO हो, ठीक है, CGL, कहीं ना कहीं हमें ले ही लेना है इस, ठीक है, जॉब। इस चीज़ को हमें ठानना है। इसी चीज़ को आगे रखते हुए हम लोग पढ़ रहे थे, क्या 3D मेंसुरेशन कर रहे थे। 3D मेंसुरेशन में हमारे पिछले क्लास में हमने कुछ कुछ प्रॉब्लम सॉल्व किए थे। आज हम देखने वाले हैं, इस सेशन में देखेंगे 3D मेंसुरेशन से रिलेटेड मेंस में हाल फिलहाल में कौन कौन से क्वेश्चन कैसे कैसे पूछे गए हैं, वो लोग हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, तो ज़्यादा देर करते हुए आज का हम लोग सेशन शुरू कर रहे हैं, जो हमारे क्या 3D मेंसुरेशन मेंस के पेपर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। ओके, चलते हैं, देखते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन से पहले देखने, ये हमारा एक थोड़ा फॉर्मूला था, फॉर्मूला थोड़ा सा यहाँ पर मैंने थोड़ा मिस्टेक कर दिया था, तो इसको थोड़ा सुधार लीजिएगा। कर सरफेस एरिया में क्या था ना, क्या होता है, इसको यहाँ पर हटा देना है, स्क्वायर को, जहाँ जहाँ आपको स्क्वायर देखे ना वहाँ वहाँ हटा देना है, यहाँ स्क्वायर, यहाँ स्क्वायर। ठीक है, इस चीज़ को थोड़ा सा गलती हो गया था यहाँ पर, इसको हटाना है। जब होलो सिलेंडर पढ़ रहे थे ना, हाँ थोड़ा सा एक बार गलती हुआ तो सब जगह गलती हो गया। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा, अपने नोटबुक में इसको सुधार लीजिएगा। कर सरफेस क्या था, 2πRH प्लस 2πRH, मतलब 2πRH कॉमन ले लेंगे तो R प्लस R हो जाएगा, उधर से टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, कर सरफेस एरिया प्लस नीचे का और ऊपर का एरिया। ठीक है, इसको सुधार लीजिएगा अपने नोटबुक में। चलते हैं, हमारा पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द रेडियस ऑफ ए स्फेरिकल बलून इज इन्फ्लेटेड फ्रॉम 3.5 सेंटीमीटर टू 4.9 सेंटीमीटर बाई पुशिंग एयर इंटू इट, तो व्हाट इज द परसेंट चेंज इंक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ द ओरिजिनल बैलून। क्या बोल रहा है, जैसे पहले क्या था, बैलून इतना सा होगा, छोटा सा होगा। ठीक है, तो छोटा सा बैलून था, लगभग इतना फूला हुआ था, 3.5 का रेडियस था, अब क्या थोड़ा सा और फुला दिया प्रेशर दे करके, ठीक है, फूक के और इसको फुला दिया गया, कितना हो गया, 4.9 हो गया उसका रेडियस। तो बोला गया जो यहाँ से यहाँ बढ़ा है वो कितना परसेंट इंक्रीज किया है इसका वॉल्यूम में, वो निकाल लेना है। ठीक है, आसान है, क्या करेंगे, सबसे पहले रेडियस देख लेंगे, रेडियस कितना इंक्रीज किया, रेडियस पता चल जाएगा तो हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं वॉल्यूम कितना इंक्रीज करेगा। ठीक है, क्योंकि स्फीयर है, ध्यान देंगे तो रेडियस हमारा क्या हो जाएगा, कितना इंक्रीज करेगा, तो कितना कर रहे हैं, तो 4.1.4 कर रहे हैं, 3.5 में इंटू क्या कर देंगे, परसेंट बदल करें, 100 से गुना कर देंगे, 7 × 2 = 7, काट देंगे 20, मतलब 40% इंक्रीज किया रेडियस, 40% बढ़ रहा है, तो 40% बढ़ रहा है तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा, क्या होता है हमारा वॉल्यूम, हमारा जानते हैं 4/3πr³ होता है। हम लोग कॉन्स्टेंट पार्ट पर फोकस नहीं करते हैं, हमारा सिर्फ वेरिएबल पार्ट पर देखेंगे, क्या हमारा आर क्यू, मतलब तीन बार आर को बढ़ाना पड़ेगा, जैसे हम लोग स्क्वायर और रेक्टेंगल में देखे थे ना, स्क्वायर में जब साइड बोलता था, एक साइड तो हम लोग दोनों लेते थे, ठीक है, दो को बढ़ाते थे क्योंकि यहाँ ए स्क्वायर होता है। ठीक है, एरिया तो दो बार लेते थे, एक बार मान लीजिए एक्स, तो एक्स तो दो बार लेते थे इसको, उस तरह से यहाँ करेंगे, यहाँ तीन बार लेंगे इसको, 40% 40% 40% तीन बार हो जाएगा 40 40 40, और सक्सेसिव लगा देंगे, सक्सेसिव वाला फॉर्मूला यहाँ पर ए बी फॉर्मूला लगा देंगे, हमारा निकल जाएगा। पहले क्या करेंगे, ये दोनों में लगाएंगे, फिर जो आएगा ये दोनों में लगाएंगे, निकल जाएगा। ठीक है, पहले ये दोनों में देखते, ये दोनों में हमारा कितना जाएगा, 40 40 क्या हो जाएगा, 80 80 और 16 96 हो जाएगा इससे। ठीक है, अब क्या करेंगे, 40 और इसमें करेंगे, इसमें करेंगे तो क्या होता है हमारा ए बी फॉर्मूला, ए प्लस बी प्लस जोड़ेंगे, हमारा क्या हो जाएगा, 136 हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा, गुना कर देंगे, 9 × 36 और सॉरी 6 × 24 कर दो और 36 38 जीरो, यहाँ पॉइंट यहाँ लग जाएगा, इसको जोड़ देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, ऑप्शन देखा जाए तो 4 लास्ट में हमारा यही है, डी नंबर ऑप्शन है, यही हो जाएगा सही, जोड़ देंगे ना, 8 × 14 हमारा 174 आ जाएगा। ठीक है, कैसे किया गया इसको समझ में कन्फ्यूजन है तो बोलिएगा यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, क्या बोल रहा है ना, एक सॉलिड मेटालिक क्यूबाइड है, क्यूबाइड का शेप है, घनाभ है, जिसका डायमेंशन दिया गया 12 54 72। ठीक है, जिसको बोला गया 8 से छोटे क्यूब में, सेम साइज के क्यूब में, घन में उसको पिघला करके पिघलाया गया है, बनाया गया है, तो व्हाट इज द सम ऑफ द लेटरल सर्फेस एरिया ऑफ द टू
सच क्यूब, मतलब इसका लेटर सरफेस एरिया निकालना है, ठीक है, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है दो क्यूब का। पहले दोनों क्यूब का पहले हमको भुजा निकालना पड़ेगा, क्या होगा भुजा क्यूब का, तभी तो निकाल पाएंगे, तो भुजा निकालते हैं। तो देखा जा रहा है क्या क्यूबाइड से हम लोग क्या कर रहे हैं, क्यूब में बदल रहे हैं, तो मतलब क्या होगा इसका क्या चेंज नहीं होगा, वॉल्यूम चेंज नहीं होगा, तो वॉल्यूम दोनों को बराबर कर देते हैं, वहीं से हम लोग को निकल जाएगा। तो वॉल्यूम बराबर कर देंगे, तो ध्यान दे रहे हैं क्या हमारा 12 गुना 54 गुना 72 बराबर क्या हो जाएगा 8 को बन रहा है ना, 8 ऐसा ऐसा बन रहा है, तो 8 क्या हो जाएगा ए क्यूब हो जाएगा, यही होता है ना, एक का ए क्यूब होता है, एक क्यूब का वॉल्यूम ए क्यूब, तो 8 क्यूब का 8 क्यूब हो जाएगा। यहाँ सोल्व करेंगे, ए का वैल्यू निकालेंगे, तो ए का वैल्यू क्या आ जाएगा, गुना करते हैं हम लोग, काट रहे हैं, 8 नवा 72 हो जाएगा। ओके अब क्या इसको आप क्या कर दीजिए, फैक्टराइज कर दीजिए, आसानी हो जाएगा हमारा, ठीक है। इसको क्या ले सकते हैं, 12 को हम ले सकते हैं ना 3 गुना 4, ठीक है, इसको हम लोग क्या ले सकते हैं 54 को 2 गुना 3 हो जाएगा, 27 होगा ना, सॉरी 27 दूनी 54 होता है ना, सॉरी, ठीक है, ये हो गया, ये तुम्हारा 9 है। बस अब क्या करेंगे, जैसे क्यूब रहता है क्यूब रूट जाएगा, तो क्या करेगा 3-3 का पेयर बनाना शुरू करते हैं, 3-3 का बनाएंगे, देख रहे हैं 1-3 यहाँ है और ये 3 है, 27 सॉरी ये 27 है ना, 27 के लिए क्या जाएगा 1-3 बाहर, 4 2 8 इसको कर देंगे तो 1-2 बाहर हो जाएगा, 8 का क्यूब रूट करेंगे 2, ठीक है। यहाँ देख रहे हैं क्या 9 है, यहाँ 3 गुना कर देंगे 27 का क्या जाएगा 3 हो जाएगा, इसको गुना कर देंगे हमारा ए का वैल्यू आ गया क्या 6 18 ए निकल गया हमारा, भुजा निकल गया ना, भुजा निकल गया तो क्या बोला गया था लेटरल सरफेस एरिया निकालने के लिए पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल एक का क्या होता है हमारा 4a² होता है, इधर से 2 गो है तो गुना कर देंगे 2 से क्या जाएगा 8a² हो जाएगा, 8a हमारा 18 है, इसका स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 18 का स्क्वायर 324 होता है, बस गुना कर देंगे हमारा आंसर आ जाएगा, गुना कर देंगे क्या जाएगा 8 3 24 25 192 जगह, जो कि ऑप्शन नंबर बी है, ठीक है। समझ में कैसे करना है, बस क्या करेंगे वॉल्यूम बराबर कर देंगे, वॉल्यूम बराबर कर देंगे हमारा आसानी से बन जाएगा। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं क्या हो रहा है ना, कर्व सरफेस एरिया एंड द वॉल्यूम ऑफ ए सिलेंडर दिया गया, कर्व सरफेस एरिया कितना दिया 88 दिया गया, वॉल्यूम इतना दिया गया है, ठीक है, तो बोला गया हाइट निकालें, निकाल लेते हैं जो जो दिया गया उसी का हम लोग चलते हैं। कर्व सरफेस एरिया दिया गया ना 88, कर्व सरफेस एरिया क्या होता है सिलेंडर का पाई 2πRh होता है, 2π इतना है, दूसरा क्या था हमारा वॉल्यूम क्या था पाई r²h, ठीक है। ये दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो यहाँ समय कुछ मिलेगा, देखते हैं 22 2 44 ये दो बार में कट जाएगा, तो RH बराबर क्या आ जाएगा हमारा 14 हो जाएगा, गुना कर देंगे ये, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं 22 6 32 क्या हो गया r²h बराबर क्या आ जाएगा 42 आ जाएगा। अब ध्यान देंगे ये RH बराबर 14 जो आया हम क्या करें यहाँ पुट कर सकते हैं, RH वैल्यू RH बराबर 14 यहाँ पुट कर देंगे, तो पुट कर देंगे तो क्या जाएगा हमारा R सिर्फ बचेगा, क्योंकि एक R और एक H तो हम लोग इसका वैल्यू डाल दे रहे हैं, तो R इंटू 14 हो जाएगा, तो R इंटू 14 बराबर क्या 42 आई 14 हो जाएगा, क्या जाएगा हमारा 3 आ जाएगा, R का वैल्यू 3 आएगा, तो हाइट निकालना था, हाइट यहाँ रख देंगे R का वैल्यू 3, तो H बराबर क्या जाएगा 14/3 आ जाएगा, तो 14/3 देखेंगे ऑप्शन में कहाँ पर है, यहाँ हमारा एक नंबर में, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन को पढ़िए बढ़िया से, क्या हो रहा है ना, द बेस रेडियस एंड द हाइट ऑफ ए सिलेंडर आर दिया गया है 7 सेंटीमीटर और 25 सेंटीमीटर, बेस क्या दिया गया है सिलेंडर का 7 है और हाइट कितना है 25 है, ध्यान देना है। आगे क्या बोला गया है कि कैविटी ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर एंड द हाइट 12 सेंटीमीटर आर ड्रिल्ड, जिसमें बोला एक कोन और एक सिलेंडर बाहर निकला जा रखा है, मतलब जैसे कि मान लीजिए हमारे पास क्या है एक सिलेंडर था, ठीक है, ये हमारा क्या है सिलेंडर है, ठीक है, जिसमें से क्या बोला जा रहा है ना, इसमें से ना हम लोग क्या किए ना एक यहाँ से कोन काट लिए हैं, ठीक है, और ऊपर से हमने काट लिया एक
सिलेंडर काट लिया है, ठीक है, इस तरह से हमने काट लिया, दोनों को जब काटे है ना तो इसका भी रेडियस की 5 होगा और इसका भी रेडियस क्या होगा, दोनों का सेम होगा, दोनों का हाइट भी हमारा सेम होगा बोला जा रहा है, ठीक है। तो निकालने क्या बोल रहा है कि फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड, मतलब वॉल्यूम निकालना है हमें बचे हुए भाग का, और क्या बोल रहा है कि इसका टोटल सर्फेस एरिया बताना है। चलते पहले वॉल्यूम निकालते हैं, ठीक है, वॉल्यूम हमारा क्या हो जाएगा, ध्यान देंगे, जो भी वॉल्यूम निकालना ना, आयतन निकालना काफी आसान है, क्या करेंगे, जो भी हमें काट के बाहर निकालना है, जैसे हमने इसे काट के बाहर निकाल लिया, इसके ड्रिल करके, ठीक है, दोनों यहाँ यहाँ क्या करेंगे ना, पूरे में से जो हमारा सिलेंडर बड़ा वाला सिलेंडर में से ये दोनों को हम लोग को वॉल्यूम घटा देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है, इसमें से ये दोनों को घटा देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा वॉल्यूम। वॉल्यूम काफी आसान है, ठीक है। तो क्या होगा, बड़े वाले का हाइट दिया गया है 7 और 25 है, ठीक है, तो क्या होता है पाई, पाई में आंसर देना है तो पाई रहने देते, पाई आर स्क्वायर, मतलब आर गुना कितना जगह 49, ये हो गया। माइनस क्या करना है, छोटे वाला सिलेंडर माइनस करते हैं तो क्या हो जाएगा हमारा, पाई आर स्क्वायर, मतलब 5 का स्क्वायर करेंगे 25 गुना 12, ये होता है पाई आर स्क्वायर एच, फिर माइनस करेंगे एक और क्या, वन कोण को तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच हो जाएगा, ठीक है। इसको गुना कर देते हैं, गुना करें देखिए पाई 25 पाई कॉमन आ जाएगा, 25 पाई कॉमन ले लेते हैं तीनों में, आसान हो जाएगा, 25 पाई कॉमन ले लेंगे, माना क्या बचेगा 49 बचेगा, यहाँ देखेंगे क्या बचेगा 12 बचेगा, यहाँ क्या बचेगा, इसको काट देते हैं, 3 × 12 हो गया, क्या बचेगा सिर्फ 4 बचेगा, माइनस 4 ये हो गया, ठीक है। इसको सोल्व कर देंगे, सोल्व कर देंगे क्या जगह हमारा ये 8 हमें 16 इसमें घटा देंगे क्या जगह हमारा 33, तो 25 पाई गुना 33 हो जाएगा, गुना कर देंगे क्या जाएगा 25 × 75 और 25 × 75 और 7 = 82 हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा इतना पाई आ जाएगा 825 पाई, 825 पाई कहाँ दिख रहा है, यहीं दिख रहा है हमारा क्या जाएगा, यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। टोटल सरफेस एरिया निकालने की जरूरत भी नहीं पड़ेगा हमें, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगर एग्जाम में सिर्फ पूछा जाता टोटल सर्फेस एरिया ही पूछा जाता, टोटल सर्फेस एरिया कैसे निकालेंगे इसको समझते हैं, ये चीज़ समझ में आ गया, वॉल्यूम कैसे निकलना है, वॉल्यूम निकालना काफ़ी आसान है। हमारा मेन प्रॉब्लम कहाँ आता है हमारे, टोटल सरफेस एरिया निकालने में, जब भी हम लोग किसी तरह के फिगर निकालना होता है ना तो वहाँ सबसे ज़्यादा समस्या आता है, ठीक है। तो इसको मैं रफ करता हूँ, फिर दोबारा मैं टोटल सरफेस एरिया निकालता हूँ, मैं समझाता हूँ कैसे उसे निकालना है, ध्यान देंगे। जब भी हम लोग टोटल सरफेस एरिया निकालना होता है ना, क्या करेंगे इसके सरफेस एरिया में से, ठीक है, हमको क्या क्या घटाना पड़ेगा, क्या क्या जोड़ना पड़ेगा वो मैं समझा रहा हूँ। मान लेते हैं सिर्फ क्या कोण ही हमारे पास है, ये हमारे पास सिर्फ हमने इसी को घटाया है, मान लेते हैं, ठीक है, यहाँ समझते हैं इसको घटाना है सिर्फ। तो अब इसका टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, बचे हुए भाग का, तो बचे हुए भाग का टोटल सरफेस एरिया कैसे निकालेंगे, ये जो सिलेंडर है इसका क्या निकालेंगे, टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे, अब माइनस क्या करेंगे, ये वाले पार्ट माइनस करेंगे सर्कल, जिससे हमारा क्या होगा, यहाँ देखेंगे तो हमारा इस तरह से सर्कल बनेगा, ठीक है, तो ये वाले सर्कल को हम लोग घटा देंगे, ये वाले पार्ट को, ये वाले पार्ट को घटाएंगे, उसके बाद हमको क्या अब जोड़ना पड़ेगा, ये तो घटाएंगे और उसके बाद क्या करेंगे ना, इसका कर्व सरफेस एरिया जोड़ देंगे, क्योंकि जब अब हम लोग इसको काटेंगे तो बन एक सरफेस हमारा अंदर भी बनेगा, नया सरफेस तैयार हो जाएगा, जब नया सरफेस तैयार होगा तो उसको भी तो हमको जोड़ना पड़ेगा ना टोटल सरफेस एरिया में, क्या करेंगे इसका कर्व सरफेस एरिया जोड़ देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो उसी ढंग से हमारा क्या था, यहाँ एक और सिलेंडर था, ठीक है, तब वो क्या क्या करना पड़ेगा, जैसा टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे, जिसका टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाता है 2 पाई आर, आर हमारा कितना है 7 है, और एच प्लस आर होता है, एच प्लस आर करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 25 × 7 = 32 हो जाएगा, ये हमारा टोटल सरफेस एरिया हो गया। माइनस क्या करेंगे, ध्यान दे रहे माइनस क्या क्या करना है, यहाँ करना है इसको और ऊपर वाले करना, ये दोनों भाग कट के बाहर निकल जा रहा है ना, तो ये दोनों भाग को हम लोग माइनस करेंगे, ठीक है, सर्कल बन रहा है दोनों एक ही जैसा है, अगर −2πr करेंगे, −2πr हमारा कितना जगह पाई आर स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, ठीक है, फिर माइनस क्या करेंगे, इसका कर्व सरफेस एरिया और इसका कर्व सरफेस एरिया,
ठीक है, माइनस क्या करेंगे पाई, आर कितना है 5, और एल करना पड़ेगा ना, एल हमारा क्या होता है पाई आर एल होता है, एल हमारा सिलेंट हाइट कितना हो जाएगा 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर करेंगे मतलब 13 का स्क्वायर हो जाएगा, 13 हो गया सिलेंट हाइट निकालिएगा, फिर माइनस क्या करेंगे ऐसा कर सरफेस एरिया 2 पाई आर एच, 2 पाई आर कितना है 5, एच कितना हो जाएगा 12। उसके बाद एक और करना पड़ेगा हमको, जोड़ना पड़ेगा क्या ये वाला हिस्सा अंदर नीचे जो भी बन रहा है इसको भी तो जोड़ना पड़ेगा हमें, इसको जोड़ देंगे प्लस क्या जाएगा पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर बस इतना आ गया। अब इसको क्या करना है सब जोड़ देना घटाना है हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है क्या हो जाएगा देखते हैं, इसको गुना करेंगे तो क्या 7 × 14 = 28 और 14 × 42 = 44 पाई माइनस। अब देखिए ये 25 पाई यहाँ है ना, यहाँ 2 पाई 25 मतलब अगर इतना देखेंगे ये हमारा क्या होगा 1 है, ये पाई 25 पाई है यहाँ 25 मतलब 50 पाई है घटा देंगे क्या 25 पाई बचेगा सिर्फ क्या जाएगा हमारा 25 पाई हो गया प्लस माइनस। अब देखिए क्या 13 × 25 = 65 हो गया 65 पाई, ये कितना हो जाएगा 5 × 10 मतलब माइनस 120 हो जाएगा 120 पाई। अब बस सबको जोड़ देना घटा देना हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। ओ यहाँ जोड़ते हैं ना सॉरी इसको जोड़ेंगे ना अभी गड़बड़ हो गया था ना ध्यान देंगे तभी तो मैं दिख रहा हूँ आंसर कुछ गड़बड़ आ जाएगा, ठीक है समझ में। हमने इसका थोड़ा सरफेस एरिया माइनस क्या करेंगे ऊपर नीचे वाला और जोड़ेंगे क्या कर सरफेस एरिया दोनों का कर सरफेस एरिया जोड़ेंगे और नीचे वाले का भी जोड़ेंगे, ठीक है समझ में आ गया। अब सबको जोड़ देते हैं, जोड़ देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा इसको जोड़ेंगे यहाँ घटाते हैं 45 यहाँ 40 हो जाएगा 40 जोड़ देंगे इसमें पाई जोड़ देंगे क्या जाएगा 8 × 8 = 12 × 6 = 10 × 5 = 6 = 608 पाई हो जाएगा, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा आ गया, ठीक है। तो समझ में कैसे करना है जब भी टोटल सरफेस एरिया निकालना रहेगा क्या करेंगे पूरे टोटल सरफेस एरिया निकाल लेंगे, ठीक है जो काट के निकाला जा रहा है उसका कर सरफेस एरिया लेंगे और ये वाले को माइनस कर देंगे, इसको और इसको जोड़ेंगे इसको माइनस करेंगे इसको इसको जोड़ ये जोड़ना है इसका कर सरफेस एरिया इसको माइनस करना है और इसको वाले को जोड़ देना है बस ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है समझ में। यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन है तो बोलिएगा आगे चलते हैं क्वेश्चन पढ़िएगा क्या बोल रहा है ना द बेस ऑफ ए राइट प्रिज्म है जिसका बेस क्या है ट्रायंगल है, ठीक है विद साइड 16, 30, 34 अब देखिए ट्रायंगल है ना प्रिज्म है ना 16, 30, 34 है तो किस तरह का ट्रायंगल है बताइएगा, ठीक है ये क्या है हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है कैसे अगर राइट एंगल पता करना हो क्या कीजिए ना इसको हाफ कर दीजिए इतने का स्क्वायर कर रहा था हम कर नहीं पाएंगे हो सकता नहीं कर पाए अगर ये स्क्वायर का इसको छोटा कर दीजिए इसको छोटा कर देंगे 2 से भागा दे दीजिए क्या जगह ये 8 हो जाएगा ये कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा ये कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा। अब छोटा मिले तो हम जानते हैं ना 8 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर बराबर होता है 17 का स्क्वायर ये भी हमारा क्या हो जाएगा ट्रिपलेट बनेगा, ठीक है इस तरह का ट्रायंगल हो गया हमारा राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, ठीक है पता चल गया जिसमें हाइट दिया गया 32 तो निकालना क्या बोल रहा गया लेटरल सरफेस एरिया एंड द वॉल्यूम तुम्हें निकालना है लेटरल सरफेस एरिया और वॉल्यूम पहले लेटरल सरफेस एरिया निकालते हैं लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है पास्ट पिछले क्षेत्रफल पेरीमीटर बेस इंटू हाइट करते हैं तो पेरीमीटर पहले निकालेंगे तो पेरीमीटर क्या होता है तो इनको जोड़ देते हैं क्या जाएगा हमारा 50, 30, 80 गुना क्या करेंगे हम लोग इतना हाइट है 32 है पच्चीस सौ साठ देखेंगे कहाँ पर है 2560 यहाँ है और यहाँ मतलब दो ऑप्शन आ गया या तो ये होगा या तो ये होगा। अब तो हमें और चेक करना पड़ेगा क्या करना पड़ेगा वॉल्यूम भी निकालना पड़ेगा तभी तो बता पाएंगे कौन सा आंसर सही है, ठीक है। अब वॉल्यूम निकालते हैं तो वॉल्यूम हमारा क्या होता है ध्यान देंगे एरिया बेस इंटू हाइट होता है यही तो है ना तो एरिया बेस निकालेंगे तो बेस का एरिया क्या हो जाएगा हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है तो राइट एंगल ट्रायंगल का क्या होता है हमारा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट हो जाएगा ये तो हमारा हाइपोटेनस होगा सबसे बड़ी वजह क्या होता है हाइपोटेनस होता है इसलिए उसको नहीं लेंगे हमारा एक बेस होगा एक हाइट होगा, ठीक है करते हैं गुना 8 × 8 = 24 हो गया इतना आ गया एरिया प्रिज्म का, ठीक है
क्या होता है एरिया बेस इंटू हाइट होता है, एरिया निकाल लिए, हाइट हमारा कितना है 32 है, गुना कर देंगे 32 से, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्या होगा 24 दूनी 48, 24 72 और 4 76 होता है, इतना 7680 हो जाएगा। 680 देख रहे कहाँ है, यहाँ है हमारा, क्या जाएगा ये ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ये हमें कभी कभी दोनों चेक करना पड़ेगा, इसमें जिस तरह से हम लोग पिछले रन देखे थे एक ही चेक करना पड़ा था। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जिसके आप लोग यहाँ एक पिरामिड है जो इक्वेटोरियल ट्रायंगल का है। ठीक है, इक्वेटोरियल ट्रायंगल का मान लीजिए हमारा इक्वेटोरियल ट्रायंगल ये हो गया। ठीक है, पिरामिड ये हो गया। ओके, अब क्या बोलना, हमें हाइट निकालना है ना। तो हाइट जो होता है ना इसके मीडियन पे आगे मतलब ग्रेविटी सेंटर पर आकर के मिलता है। हाइट जो होता है इसका, जो हाइट हम लोग निकालते हैं कहाँ आकर मिलेगा, वो ग्रेविटी सेंटर पर मिलता है, ध्यान देंगे। ठीक, जैसे कहने का, जैसे हम ड्रॉ किया ना इसको इस तरह से, जैसे ड्रॉ करेंगे ना तो जो हाइट होगा ना ये जा करके यहाँ पर आकर के इसे ग्रेविटी सेंटर पर आता है। ओके, हमें क्या पता है इसका लेंथ पता है कितना है 30 है, यहाँ से यहाँ का पता है हमारा 20 है। क्या करेंगे हम लोग, यहाँ से यहाँ पता करना पड़ेगा ये वाली लेंथ, तभी तो निकाल पाएंगे क्योंकि 90 डिग्री पर बनेगा। ये वाली पता रहेगा तो हम क्या कर सकते हैं, ट्रायंगल हम लोग बना सकते हैं इसमें। ठीक है, मानते हैं ये ए है, ये बी है, ये सी पॉइंट, ए बी सी ट्रायंगल में हम लोग चल सकते हैं 90 डिग्री, हमारा पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे। ओके, क्या करेंगे ये निकालेंगे तो ये जो होगा हमारा लेंथ, ये लेंथ क्या होगा हमारा सर्कल में रेडियस होगा, होगा कि नहीं होगा, परिवृत्त का त्रिज्या होगा। यहाँ से हमारा क्या होगा परिवृत्त का त्रिज्या बनेगा, तो परिवृत्त का त्रिज्या निकाल लेंगे। परिवृत्त का त्रिज्या हमारा क्या होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल में ए बाई रूट थ्री होता है, तो ए बाई रूट थ्री कर देंगे तो कितना जाएगा यहाँ से आएगा 20 बाई रूट 3 आ गया। यहाँ से आएगा लेंथ क्या गया 20 बाई रूट 3। अगर हमें ये निकालना है ना तो 30 इसके स्क्वायर में से इसका स्क्वायर घटा देंगे तो हम निकल जाएगा इसका स्क्वायर निकल जाएगा, क्या जाएगा हमारा 30 का स्क्वायर करेंगे 900 माइनस करेंगे इसका स्क्वायर 400 बटा क्या आ जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है, घटा देंगे क्या आ जाएगा हमारा 2700 में से 2700 में से 400 गया 2300 हो जाएगा, तो 2300 बटा क्या आ जाएगा 3 हो जाएगा, अंडर रूट होगा, रूट हटाएंगे, रूट हटाएंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 100 बाहर ले आ जाएगा, 23 तो रह जाएगा अंदर, 100 बाहर आ जाएगा, 100 बाहर आ जाएगा क्या जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ओके, ठीक है, 100 की जगह ए आ जाएगा हमारा। आगे चलते क्वेश्चन को पढ़िए बढ़िया से, उसके बाद उसको बनाने की कोशिश करते हैं। क्या बोल रहा है ना, एक कोन है जिसमें से बोल रहा है मैक्सिमम पॉसिबल साइज निकालना है हमें काट करके है। ठीक है, फ्रॉम ए कोन इसका रेडियस क्या है 5√2 और हाइट दिया गया 20 सेंटीमीटर। ठीक है, मैक्सिमम वॉल्यूम निकालना है क्यूब का, ध्यान दे रहे कैसे निकालना है, जैसे हमारा क्या है ये क्यूब है ना, ये कोन है, कौन से में क्या काट के निकालना है बाहर एक क्यूब निकालना है अंदर सबसे बड़ा क्यूब, तो सबसे बड़ा क्यूब मान लीजिए यहाँ से यहाँ बनेगा हमारा, इस पर बनेगा इस तरह से, या मैं 2D में समझा रहे हैं, 3D में थोड़ा सा अलग जैसा बनेगा। ओके, तो बता जाएगा जो हमारा ये निकाल रहे हैं इसे क्या निकालना है बताना है हमें, यहाँ वॉल्यूम बताना है, वॉल्यूम बताने के लिए क्या पता करना पड़ेगा हमें इसका भुजा का पता करना पड़ेगा, तो भुजा पता करेंगे क्या आएगा इसको समझने के लिए ना मैं थोड़ा सा थ्योरी समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, मान लीजिए हमारा क्या कौन है, ओके थोड़ा सा थ्योरी समझते हैं उसके बाद वहाँ पर करेंगे, ये चीज़ हम लोग थ्योरी सेक्शन में नहीं किए थे। मान लीजिए कौन है, ठीक है, इस पर हम क्या कर रहे हैं ना बीच से काट देते हैं कौन एक और, मतलब इससे बीच से कट कर दिए, ये भी हमारा क्या बनेगा एक कौन ही बनेगा। ठीक है, ये भी हमारा क्या बनेगा बीच से काट देते, चाहे एक कट लगाइए, दो कट लगाइए, तीन कट लगाइए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, एक ही कट से समझते हैं, तो जो एक कट लगाइएगा ना तो मान लीजिए बड़े वाला का कोन का हाइट क्या हो जाएगा h मानते हैं बड़ा वाला, छोटे वाले का क्या हो जाएगा हाइट यहाँ से यहाँ का छोटा h हो जाएगा, इसका रेडियस क्या होगा अगर यहाँ से हमने ड्रॉ कर दिया रेडियस क्या हो जाएगा इसका बड़ा r, इसका क्या हो जाएगा रेडियस छोटा r, यहाँ से यहाँ का साइलेंट हाइट बड़े वाला क्या हो जाएगा कैपिटल L, छोटे वाला क्या हो जाएगा स्मॉल L, इतना चीज होगा, समझ में आ रहा है, बस इसी को समझना है। ठीक है, तो ये जब भी वॉल्यूम होता है ना वॉल्यूम कहता है जब भी कोन होगा, जैसे ये छोटा वाला कोन एक बड़े वाला कोन होगा ना दोनों के आपस सिमिलर होगा, जब भी बीच से कट लगाएंगे पैरेलल कट लगाएंगे, इसका पैरेलल कट लगाएंगे ना जब भी क्या होगा बीच से बराबर हो जाएगा, मतलब सिमिलर होगा दोनों, बराबर नहीं होगा सिमिलर होगा एक जैसा, जैसे हम ट्रायंगल में करते हैं ना, जैसे ट्रायंगल हो गया
ट्रायंगल में अगर हम लोग मिड पॉइंट से मिला देते हैं तो क्या होता है, ये जो छोटा वाला ट्रायंगल ये बड़ा वाला ट्रायंगल दोनों क्या हो जाता है, बराबर होता है, सिमिलर होता है। हम लोग जो पढ़ेंगे ज्योमेट्री में वहाँ भी देखेंगे, वही वाले हम लोग यहाँ पर अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो क्या बोला, छोटे वाले कौन बड़े वाले कौन के सिमिलर हो जाता है। जब सिमिलर होता है ना तो क्या हो जाएगा, इसका रेशियो क्या होता है, मतलब कैपिटल एच बाई स्मॉल एच। जिस तरह से हमारा ट्रायंगल में क्या होता था, उसका साइड कोरस्पॉन्डिंग होता था, उसी रेशियो में बट जाता था, तो यहाँ भी उसी के रेशियो में सारा कुछ बटेगा। हाइट भी क्या हो जाएगा उसी के रेशियो में, रेडियस भी क्या हो जाएगा उसी के रेशियो में, और सेलेंट हाइट भी क्या हो जाएगा उसी के रेशियो में बट जाएगा। ठीक है, जब ये होगा तो अगर वॉल्यूम निकालने बोला जाएगा, मान लीजिए बड़े वाले वॉल्यूम बटा छोटे वाले का, ठीक है, क्या कैसे निकालेंगे, क्या जाएगा जब ये हमारा होगा ना, जब इस रेशियो में बटेगा तो हमारा वॉल्यूम निकाल पा रहा है, इसी का स्क्वायर में हो जाएगा, खाने का मतलब क्या हो जाएगा, हमारा क्यूब में हो जाएगा, एच क्यूब बटा एच क्यूब बराबर क्या हो जाएगा, आर क्यूब बटा आर क्यूब, एल क्यूब, एल नहीं होगा ना क्योंकि हमारा एल आता ही नहीं है। ठीक है, समझ में आ गया, क्या कहूँ, हमारा वॉल्यूम क्या होगा इसी के रेशियो में बट जाएगा। ठीक है, तो अक्सर एग्जाम में इस कॉन्सेप्ट पर भी क्वेश्चन पूछ जाता है, जैसे यहाँ पर ही है, ठीक है ना, उसी कॉन्सेप्ट पर ये क्वेश्चन आया गया है। तो क्वेश्चन को क्या आएगा इसको समझते हैं, ये चीज़ समझ में आ गया कि कैसे, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। ओके, समझते हैं, तो क्या होता है, ध्यान देंगे, जैसे हमने क्या करें, इसमें क्यूब रखा, तो क्यूब रखेंगे तो क्या होगा, ये पैरेलल होता है ना, ये पैरेलल मतलब क्या होगा, यहाँ पे एक हमारा क्या बनेगा, कौन बनेगा छोटा सा, एक कौन बनेगा, तो यहाँ से जाएगा पूरे हाइट हमारा कितना दिया गया है, देखेंगे पूरा हाइट 20 है, हम मानते हैं यहाँ से यहाँ क्या मानते हैं, एच होगा, छोटा वाला एच मान लेते हैं। ठीक है, इसका रेडियस कितना दिया गया है, कौन का 15√2, यहाँ से आकर मानते हैं ये 15√2 है। ठीक है, तो इसका जो भुजा होगा यहाँ से यहाँ का, जो यहाँ से यहाँ का लेंथ होगा ये क्या होगा, देखेंगे यहाँ से यहाँ का अगर लेंथ होगा ना, अगर हम लोग उसको ऊपर 3D में अगर बनाने की कोशिश करेंगे, तो 3D में बनाएंगे तो हमारा क्यूब बनेगा क्या, इस तरह से बनेगा। ठीक है, समझते 3D से, तो ये क्यूब हम क्या करेंगे, यहाँ अगर रखेंगे तो जब भी रखेंगे ना तो हमारा जो मिलेगा उसका क्या, उसका डायगोनल मिलेगा। ठीक है, इसका भुजा नहीं मिलेगा, ध्यान देंगे, ये नहीं समझिएगा कि इसका भुजा है, ये क्या होगा, इसका डायगोनल होगा, सामने से दिखेगा, जब डायगोनल दिखेगा ना तो डायगोनल हमें निकालना पड़ेगा। ओके, तो डायगोनल हमारा क्या हो जाएगा, जब हमारा अगर इसको भुजा ए मानते हैं, ठीक है, इसको अगर ए मानते हैं क्यूब को, तो डायगोनल हमारा क्या हो जाएगा, √2a डायगोनल हो जाएगा ना, पर हमें क्या निकालना है, यहाँ से यहाँ कहीं से निकालना है ना रेडियस, क्योंकि इसका रेडियस निकालेंगे हमारा काम हो जाएगा। ओके, तो रेडियस निकालेंगे तो क्या जाएगा हमारा, आधा कर देंगे इसका, आधा कर देंगे ए बाई √2 हो जाएगा, सारा कुछ निकल गया यहाँ से यहाँ का, वैसा करेंगे रिलेशन बैठाना शुरू कर देंगे, रिलेशन बैठाएंगे क्या जाएगा हमारा, इसका एच बाई इसका एच मतलब 20 बाई इसका एच कितना हो जाएगा, इसको एच ना मान करके हम लिख सकते हैं, इसको एच ना मान के क्या होगा, अगर इसको ए माने तो क्या जाएगा हमारा, यहाँ से यहाँ एच माइनस ए हो जाएगा। ठीक है, मतलब 20 माइनस ए हो जाएगा ना, ध्यान देंगे यहाँ से यहाँ का हाइट कितना हो जाएगा, ए होगा, ये ए है तो यहाँ से यहाँ क्या होगा 20 माइनस ए हो जाएगा, 20 माइनस ए ले लिए क्योंकि एच मान लिए थे ना, वहाँ पर थोड़ा सा एच मान लेते थोड़ा गड़बड़ हो जाता। ओके, फिर क्या इसका रेडियस बटा इसका रेडियस क्या हो जाएगा हमारा 15√2, उसका रेडियस क्या हो गया ए बाई √2, तो ए √2 ऊपर चला जाएगा, ये हो गया हमारा, इसको सॉल्व कर लेंगे हमारा आंसर आ जाएगा। ओके, देखते हैं √2 का 2 बन जाएगा, 2 से काट देंगे इसको, 10 बार में कट गया। ठीक है, 5 × 2 = 10, 5 × 3 = 15, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे क्या होगा हमारा 2a, इधर से कर देंगे तो हमारा क्या होगा 3a, इसको इधर के लेंगे क्या होगा 5a बराबर कितना हो जाएगा 20। ठीक है, 60 हो जाएगा ना, 20 × 3 = 60, तो a बराबर कितना हो जाएगा 12 हो गया, 12 आ गया, तो इसका क्या निकालना था हमें, वॉल्यूम निकालना था, वॉल्यूम क्या होगा a² a³ करेंगे तो a³ हमारा क्या होता है 12³ 1728 होता है, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, सिंपल सर था। ठीक है, आगे चलते हैं, इसको पढ़िएगा, क्या बोल रहा है, द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ ए सिलेंडर टैंक, सिलेंडर टैंक है, फिर बेस दिया गया 4 मीटर का, जिसमें बोल रहा है 3 times द सम ऑफ द एरिया ऑफ टू इट्स इज ट्वाइस द एरिया ऑफ कर्व सरफेस द कैपेसिटी। ओके, जो जो डाटा दिया गया हमारे उससे चलते, ये हमारा क्या दिया गया है, रेडियस दिया गया। ठीक है,
आगे आप लोग थ्री टाइम्स द सम ऑफ एरिया ऑफ इट्स टू सर्कुलर फेस, थ्री टाइम्स बोला गया ना, थ्री टाइम्स ऑफ क्या बोलोगे, दो जो सर्कुलर फेस होता है उसका एरिया का सम क्या जाएगा हमारा, टू पाई आर स्क्वायर, आर हमारा कितना हो जाएगा चार है, चार का स्क्वायर सोलह, ठीक है, बराबर क्या बोल रहा है, किसके बराबर है, ट्वाइस द कर्व सरफेस एरिया, मतलब इसी का कर्व सरफेस एरिया ट्वाइस, मतलब टू पाई आर इंटू एच, ये हो जाएगा ना, टू पाई आर एच होता है, बस टू पाई आर एच ले लेकिन सोल्व करेंगे तो सोल्व करेंगे हमारा, यहाँ से एच का वैल्यू निकल जाएगा, क्या जाएगा तो फिर टू पाई से टू पाई कट गया, ठीक है, चार से काटेंगे एच बराबर क्या आ गया बारह, एच बराबर बारह आ गया, तो हमें क्या निकालना था, इसका वॉल्यूम निकालना था, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा हमारा पाई आर स्क्वायर एच, मतलब क्या हो जाएगा आर हमारा कितना है चार है, चार का स्क्वायर सोलह गुना बारह कितना जाएगा, टू थ्री टाइम्स, अच्छा टू टाइम्स इसमें नहीं किए थे ना, ध्यान देंगे यहाँ टू टाइम्स नहीं किए थे, टू टाइम्स बोला गया था ना सिर्फ टू पाई आर एच कर दिए थे, यानी थोड़ा गड़बड़ हो गया, ठीक है, दो से काटेंगे इसको, ये दो बार में कट जाएगा, ठीक है, तीन दुनी छः हो गया, हाइट छः हो जाएगा, गुना छः कर देंगे हमारा छियानवे पाई आ जाएगा, छियानवे पाई देखेंगे कहाँ ऑप्शन में, छियानवे पाई हमारा ऑप्शन नंबर डी में, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, बस वहाँ थोड़ा सा दो छूट गया था, ट्वाइस बोला गया था, ठीक है, उसका कर्व सरफेस एरिया, ओके समझ में कैसे करना है, ठीक है, इसी को हमेशा पॉइंट टू पॉइंट समझना है, पढ़ना है, कभी कभी एक आध पॉइंट छूट जाएंगे तो क्या आंसर नहीं आ पाएंगे, जैसे भी मेरा छूट गया था, ठीक है, मैं थोड़ा सा जल्दी जल्दी के चक्कर में, जल्दी जल्दी करने के चक्कर में क्या हो गया, वो हमारा ट्वाइस छूट गया, पॉइंट ही छूट गया, ठीक है, तो इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखना है, क्वेश्चन को पूरा पढ़ना है, जैसे मेरे से गलती हो गया ऐसा गलती आप नहीं कीजिएगा, जब मैं गलती किया तो मुझे समझ में आ गया कि मैंने कहाँ गलती किया है, ठीक है, इस चीज़ को आपको समझना है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या बोल रहा है, द सेक्शन ऑफ ए सॉलिड राइट सर्कुलर कोन बाई ए प्लेन कंटेनिंग वर्टेक्स एंड द परपेंडिकुलर टू द बेस इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ साइड 12 सेंटीमीटर, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द कोन, ठीक है चलते हैं, इससे क्या बोल रहा है ना कि जो हमारा कोन है, कोन कैसा है, जैसे मान लीजिए कोन हमारा है, कोन के बारे में क्या बोला जा रहा है, ये कोन हो गया, ठीक है, कोन जो है ना ये इक्विलेटरल ट्रायंगल के बराबर में रखा हुआ है, जैसे कहने का मतलब जो इसका बेस होगा, ध्यान देंगे जो इसका बेस होगा ना ये हमारा ये होगा, जो इसका यहाँ से यहाँ हाइट होगा वो हमारा ये होगा, ठीक है, बस यही है हमारा, बस इसके बाद हम उसको सॉल्व कर सकते हैं, इतना सी समझ में आ गया, मतलब इसका जो बेस होगा यहाँ से यहाँ का ये डायमीटर कहलाएगा, ये जो हमारा इसका मीडियन होगा इक्विलेटरल ट्रायंगल का ये हाइट कहलाएगा, बस उसको सॉल्व कर लेते हैं, तो इसका रेडियस क्या हो जाएगा, रेडियस क्या हो जाएगा हमारा छः आ जाएगा, क्योंकि 12 है डायमीटर तो 6 हो जाएगा, हमारा डायमीटर काम करेगा इसका भुजा, और यहाँ से इसको हाइट निकाले तो हाइट हमारा क्या मीडियन काम करेगा, तो मीडियन हमारा क्या होता है रूट अंडर थ्री ए बाई टू होता है, रूट अंडर थ्री ए ए हमारा कितना है 12 बाई टू हो जाएगा, काट देंगे 6 बार में काटेंगे मतलब 6 रूट 3 आ गया, हाइट निकल गया रेडियस निकल गया, हमें क्या निकलना है वॉल्यूम नहीं तो निकालना है, वॉल्यूम क्या हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर, मतलब 6 का स्क्वायर करेंगे 36 इंटू एच करेंगे, एच हमारा कितना है 6 रूट 3 काटेंगे 6 3 दुनी 6 मतलब 36 दुनी 72 72 रूट 3 पाई आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए है, ठीक है समझ में, नेक्स्ट क्वेश्चन चलता है 10 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, 10 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है क्या कि थ्री एरिया ऑफ द थ्री एडजेसेंट फेसेस ऑफ द क्यूबॉइड क्यूबॉइडल सॉलिड दिया गया है 216 96 144 इज मेल्टेड एंड 8 क्यूब्स ऑफ द सेम साइज आर फॉर्मड इट व्हाट इज द लेटरल सरफेस एरिया ऑफ द थ्री सच क्यूब, ओके ध्यान देना, इस तरह के कौन थ्योरी में भी पढ़े थे हम लोग कि जब फेसेस का एरिया दिया हो, फेसेस का एरिया दिया हुआ, ठीक है दिया हो, क्या करेंगे उसका वॉल्यूम निकालेंगे, क्योंकि वॉल्यूम हमारा क्या हो जाएगा जो ये सॉल्ट क्यूब है का और ये
क्यूबाइड, जो क्यूबाइड और क्यूब दोनों क्या होगा, बराबर होगा। जब इसको पिघला करके ये किया जा रहा है, मतलब क्या कर रहा है, उसका वॉल्यूम नहीं बदलेगा। अगर दोनों को वॉल्यूम निकालना पड़ेगा तो यहाँ से वॉल्यूम निकाल लेंगे ना, क्योंकि इसका फेसेस का एरिया दिया गया है। हम जानते हैं फेसेस का एरिया का वॉल्यूम क्या होता है, अंडर रूट ऑफ दिस 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 कर देंगे, मतलब क्या अंडर रूट ऑफ 216 गुना क्या हो जाएगा 96 गुना क्या हो जाएगा 144। ठीक है, यहाँ से क्या उसका वॉल्यूम हो जाएगा, इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, इसके बराबर हो जाएगा 8 क्यूब के बराबर हो जाएगा, 8 क्यूब के बराबर हो गया वॉल्यूम। बस सोल्व करेंगे क्या उसको निकालेंगे, जिसके यहाँ 12 का स्क्वायर होता है गुना, जो अगर देखा जाएगा 16 6 96 16 अगर इसको लिख देंगे, 16 बाहर निकाल देंगे तो 6 बच जाएगा हमारा, तो क्या जाएगा 16 बाहर निकालेंगे 4 6 बच गया हमारा। 6 अगर यहाँ देखा जाएगा ये हमारा क्या देखा 36 दिख रहा है, 36 गुना 6 लिख सकते हैं इसको, तो क्या ले देंगे 36 गुना 6 ले गए, तो एक 6 हमारा यहाँ था, एक 6 हमारा यहाँ था, 6 बाहर निकल गया, एक 6 इससे भी 36 से एक 6 बाहर निकल जाएगा, ये हो जाएगा हमारा। ओके, तो इतना बराबर क्या जाएगा 8a³ हो गया। बस इसको काट देते हैं 8 से, 4 दुनी 8 2 2 तिहाई 6। ठीक है, तो क्या जाएगा हमारा a³ बराबर क्या आ गया 6 3 8, इसको क्या ले सकते हैं 12 को क्या ले देंगे 3 गुना 2 गुना 2 गुना क्या ले देंगे इसको 6 का 3 गुना 2 गुना 3 हो गया ये। बस इसका करना है, अब पेयर बनाकर निकलते चले जाना है 1 2 3, तो 1 बाहर निकल गया, फिर 1 2 बाहर हो गया, मतलब क्या जाएगा a बराबर आ गया 6 आ गया, क्या बढ़ गया था पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ गया है 3 का क्यूब का, 3 घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या जाएगा हमारा 12a² हो जाएगा, क्योंकि 1 का क्या होता है 4a² होता है, 3 का क्या जाएगा 12a² हो गया। बस a का वैल्यू यहाँ रख देंगे, क्या जाएगा 6 का स्क्वायर क्या जाएगा 36, मतलब 12 गुना 36 कर देंगे, क्या जाएगा 12 6 72 और 7 12 3 31 7 43 432 432 कहाँ है, ऑप्शन नंबर 2 ये मेरा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है, कोई कन्फ्यूजन है तो बोलिएगा यहाँ पर, जो चीज़ नहीं समझ में आ रहा होगा। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या बोल रहा है, एक वेल है जिसका इनर रेडियस क्या है 3 मीटर, इसको डक किया गया है 6 मीटर खोदा गया है अंदर तक। ठीक है, मतलब वेल होगा ना, वेल हमारा किस तरह का रहता है तो हम लोग देखते हैं, हमारा क्या सिलेंड्रिकल टाइप का होता है गोल गोल, जैसे यह होगा हमारा वेल, नीचे सिलेंड्रिकल टाइप से होता है। ठीक है, इससे क्या बोला, इसको खोदा गया है 3 मीटर का रेडियस खोदा गया और 6 मीटर खोदा गया है नीचे तक, 6 मीटर मान लीजिए यहाँ से हमारा क्या 6 मीटर है। ठीक है, रेडियस यहाँ से यहाँ क्या है 3 मीटर का है, और जो मिट्टी निकला है उसको पता कि ना इसके बगल बगल एम्बैकमेंट बनाया गया है, ये घेरा जैसे देखते हैं कुआं के ऊपर, जो कुआं होता है कुआं के ऊपर देखते हैं कुछ इस तरह से लेयर बना दिया जाता है कि नहीं। जैसे देखते होंगे इस तरह से बना दिया जाता है हमारा। ठीक है, तो बोला जा रहा है क्या कि जो ये मिट्टी है ना, तो मिट्टी यहाँ से यहाँ हम लोग ये बन गया हमारा, तो यहाँ क्या बोला, तो इसका हाइट बताएं, जो एम्बैकमेंट यहाँ से यहाँ बन रहा है इसका हाइट क्या होगा। ठीक है, तो हाइट हम लोग कैसे निकालेंगे, ध्यान देंगे, जो मिट्टी है हमारा, ठीक है, और इसका चौड़ाई दिया गया है 2 मीटर का, इसका चौड़ाई जैसे बनाया गया है, इसका चौड़ाई 2 मीटर का बनाया गया है। ठीक है, होगा ये 2 मीटर का, जैसे अगर सामने से देखेंगे तो सामने से हमारा क्या बन जाएगा, इस तरह से दिखेगा सामने से। ठीक है, थोड़ा सा ऊंचा रहेगा ये, उसी का हाइट बोला जा रहा है निकालना है, हाइट हम लोग कैसे निकालेंगे ध्यान देंगे, जो मिट्टी खोद के बाहर निकल रहा है ना वही यहाँ है, लगा करेंगे इसका वॉल्यूम बराबर कर देंगे, इसका वॉल्यूम बराबर इसका वॉल्यूम, बस आ जाएगा आंसर हमारा। ठीक है, इसका वॉल्यूम क्या जाएगा IR² पाई, आर हमारा कितना है 3 है, 3 का स्क्वायर 9 गुना 6 बराबर क्या आ जाएगा, जो हमारा अभी जो बनेगा हमारा क्या बन रहा है देखेंगे, एक होलो सिलेंडर का जैसा दिखेगा हमारा, तो होलो सिलेंडर क्या कर देंगे उसका एरिया कर देंगे बराबर, उसका वॉल्यूम कर देंगे बराबर, सॉरी क्या जाएगा क्या होता है हमारा पाई आर, बड़ा आर माइनस छोटा आर करेंगे तो ध्यान देंगे 2 मीटर का क्या बोला जा रहा है वाइड अप 2 मीटर, मतलब पहले 3 था। ठीक है, तो 2 मीटर और चौड़ा बना दिया गया, तो चौड़ा बना दिया तो 5 हो गया, तो 5 का स्क्वायर माइनस क्या करेंगे 3 का स्क्वायर करेंगे, गुणा क्या कर देंगे हाइट गुणा कर देंगे, तो हाइट तो हमें निकालना है, ये था ना पाई आर स्क्वायर एच हो गया हमारा।
सोल्व कर लेंगे, पाई से पाई कट गया, क्या आ गया हमारा 54 बराबर क्या जाएगा इसका 5 का स्क्वायर 25 माइनस 9 क्या जाएगा 16 हो जाएगा, यस हो गया। ठीक है, काटेंगे दो बार में कटेगा ना, दो बार में काटेंगे 8, दो बार में कटेंगे 27 क्या जाएगा यस बराबर 27/8 हो गया, 27/8 देखेंगे कहाँ पर ऑप्शन में 27/8 हमारा यहाँ दिख रहा है, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, बस हमें इसी बात का एक बात का ध्यान रखना है कि जो मिट्टी हम लोग खोद के अंदर से बाहर निकाल रहे हैं वही मिट्टी क्या हो जाएगा हमारा ऊपर रखा जाएगा, तो मतलब वॉल्यूम दोनों को बराबर कर देंगे, वॉल्यूम बराबर कर देंगे और ऊपर जो बनेगा हमारा किस किस टाइप से बनेगा, होलो सिलेंडर टाइप से दिखेगा हमारा, बस होलो सिलेंडर का निकाल लेना है फिर वॉल्यूम हमारा आंसर आ जाएगा। प्रिज्म क्या बोल रहा है, प्रिज्म का बेस क्या है स्क्वायर है। ठीक है, इसका साइड दिया गया 8, ओके सो बोला गया ना कि प्रिज्म है ना, प्रिज्म प्रिज्म हमारा कैसा दिखेगा इस तरह से, मान लीजिए हमारा सामने से अगर देखेंगे सामने से हमारा इस तरह से दिखेगा 8 सेंटीमीटर ही है, 8 सेंटीमीटर ही है। ठीक है, ये हमारा हाइट दिया गया 80 का, जिसको बोला गया नो कट मारेंगे, नो कट मारेंगे तो हमारा क्या बनेगा, जैसे एक कट मारेंगे दो फिगर बनेगा, नो कट मारेंगे तो हमारा क्या बनेगा 10 फिगर बन जाएगा इस तरह से। दस फिगर बनेगा, ठीक है, जो 10 फिगर बनेगा तो ध्यान देंगे ये हमारा क्या 8 है, नीचे लेंथ हमारा 8 है तो ब्रेथ भी हमारा क्या होगा 8 होगा, तो बोला जा रहा है क्या ना कि जो 10 फिगर बनेगा 10 पार्ट का क्या बनेगा, टोटल सरफेस एरिया निकालना है 10 पार्ट का, ध्यान देंगे 10 पार्ट का क्या हो जाएगा, तो यहाँ से यहाँ देखेंगे तो इसका हाइट पहले निकाल लेंगे, तो इसका जो हाइट होगा जो एक बनेगा ना वो भी क्या होगा 8 सेंटीमीटर का होगा, क्यों होगा क्योंकि हमारे पास 80 है यहाँ से, इसमें 10 कट लगाएंगे 10 वो फिगर नो कट लगाएंगे 10 फिगर बनेगा, मतलब क्या हो जाएगा सारा का लेंथ बराबर बोला जा रहा है पैरेलल एक दूसरे से सारा बराबर कटेगा, तो क्या हो जाएगा हमारा 8 का ये 8 8 8 का सोरा हो जाएगा, तो 8 8 का बनेगा तो हमारा क्या हो जाएगा एक क्यूब दिखेगा, ये क्यूब होगा ना नीचे, तो हम इसे दस कहते हैं क्यूब दिखेगा हमारा 10 क्यूब दिखेगा, लेंथ हमारा 8 है ब्रेथ भी 8 है हाइट भी 8 है, क्या हो जाएगा हमारा क्यूब बन जाएगा, तो क्यूब बनेगा 10 क्यूब बनेगा, तो 10 क्यूब क्या निकाल लेना हमें सरफेस एरिया निकालना है ना, जैसे काट के अलग करेंगे तो हमारे सरफेस बढ़ता चला जाएगा, क्या जाएगा हमारा 10 हो क्या जाएगा हमारा 10 कितना फेस दिखेगा हमारा 60 फेस हो जाएगा, क्योंकि एक का हमारा क्या होता है 6a² होता है, 10 का क्या हो जाएगा 60a² हो जाएगा, तो ए हमारा कितना है 8 है, 8 का स्क्वायर क्या कर देंगे 64 गुना कर देंगे 60 गुना 64 तो क्या जाएगा 6 चौक 24 और 6 चौक 36 38 हो जाएगा 3840 है, 3840 कहाँ है देखेंगे ऑप्शन नंबर 3 में, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ओके तो सुन में उसी ढंग से नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ेंगे क्या बोल रहा है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि कौन है जिसका 90 सेंटीमीटर रेडियस है और हाइट क्या दिया 120 सेंटीमीटर, सो तीन पार्ट में बांटा गया है, दो कट लाएंगे तो तीन पार्ट में बढ़ जाएगा। ठीक है, उसका हाइट दिया गया है 1:2:3 के रेशियो में, जिसको बोला टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे बीच वाले का, कौन है ना कौन से समझते हैं कौन है, दो कट लगाना है ध्यान देंगे, दो कट लगाएंगे मानते एक कट यहां लगाएं, एक कट मानते यहां लगा रहे हैं और एक कट यहां लगा रहे हैं, तो जो बीच वाला होगा ना इसी का लगा रहा है कि टोटल सरफेस एरिया निकालें, तो बीच में अगर देखेंगे तो हमारा फिगर किस तरह से दिख रहा है, हमारा क्या बनेगा बीच में एक फ्रस्टम बनेगा, तो फ्रस्टम में अगर टोटल सरफेस एरिया निकालें, फ्रस्टम टोटल सरफेस एरिया क्या होता है पाई आर प्लस आर एल होता है, फिर क्या होता है पाई आर स्क्वायर होता है, फिर पाई आर स्क्वायर होता है, ये होता है ना, तो हमें क्या पता करना पड़ेगा यहाँ से यहाँ के बीच का रेडियस ये वाला और ये वाला रेडियस और यहाँ से यहाँ का हाइट लेंथ पता करना पड़ेगा सिलेंट लेंथ, फिर अपना सिलेंट हाइट तो हमें सब निकल जाएगा इसका टोटल सरफेस एरिया, हमें पता करना पड़ेगा ये रेडियस और ये हमारा सिलेंट हाइट, बस निकल जाएगा, ये सब तक करेंगे ध्यान दे रहे हैं। ठीक है, हमारा हाइट दिया गया ना रेशियो में 1:2:3 में, ठीक है, मतलब यहाँ से यहाँ का 1 है, यहाँ से यहाँ का पूरा 2 है, फिर 3 है, हाइट दिया गया है तीनों काटेंगे तो देखेंगे तो हमारा जो टोटल हाइट कितना है 120 का है, ठीक है, टोटल 120 है, तो यहाँ से यहाँ का हाइट कितना हो जाएगा हमारा
1:2:3 में है ना, 20 हो जाएगा ये, ठीक है। यहां से यहां कितना जाएगा हमारा, 40 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा हमारा, यहां से यहां 60 हो जाएगा, 20 40 60 हो गया। ये क्या निकल गया हमारा, हाइट निकल गया, ठीक है। तो हाइट जो होगा, ठीक है, ये हमारा यहां से यहां, यहां से यहां और यहां से यहां का है, ओके। हमें क्या पता करना पड़ेगा, तीनों का हाइट पता करना पड़ेगा, तीनों कोण का। तीनों कोण में अगर देखेंगे तो ये कहां पे, और 20 है। दूसरे वाले क्या हो जाएगा, दूसरे वाले का हमारा क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा। तीसरे वाले क्या हो जाएगा हमारा, 120 होगा। तो इसी रेशियो में क्या होगा हमारा, उसका रेडियस भी होगा, रेडियस होगा ना, रेडियस निकालना हमें है, रेडियस भी इसी रेशियो में। तो क्या होगा हमारा, इसको काटेंगे क्या होगा, 1:3:6 हो गया। इसी रेशियो में क्या हो जाएगा इसका, मतलब इसका भी रेडियस हो जाएगा इसी रेशियो में। तो इसका रेडियस दिया गया यहाँ से यहाँ, कितना दिया गया यहाँ से हमारा, 90 दिया गया, 90 ये है, ठीक है। ये अगर 90 होगा तो ये वाला कितना हो जाएगा, रेशियो एक मतलब 6:6 बराबर 90 हमारा है, तो ये वाला कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। ये 15 हुआ तो ये कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा, ठीक है, समझते हैं, ओके। ये कितना था हमारा, 40 है, ये आ गया क्या, 15 आ गया, ये आ गया हमारा क्या, 45 आ गया। यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन है तो बोलिएगा, ठीक है, कोई कन्फ्यूजन है नहीं है ना। अगर हम साइलेंट हाइट निकालेंगे, साइलेंट हाइट भी क्या होगा, इसी रेशियो में बढ़ जाएगा हमारा। साइलेंट हाइट हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा कितना है, 120 है, कितना है, 90 है। तो 120 मतलब 12 का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, 9 का स्क्वायर दिख रहा है, ये क्या हमने 90 मात्र 9 मानते हैं, 12 स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर कितना होता है, 15 का स्क्वायर होता है। मतलब क्या हो गया, यहाँ से आएगा पूरा लेंथ कितना हो जाएगा हमारा, 150 हो जाएगा, ठीक है, समझ में आया यहाँ तक, कोई कन्फ्यूजन है तो बोलिएगा, ओके। तो जो ये हमारा यहाँ से आगे लेंथ होगा, और लेंथ क्या होगा हमारा, इसी रेशियो में बढ़ जाएगा हमारा, ओके। जो हमारा क्या होगा, 1:2:3 है, ये क्या होगा हमारा, 2/6 हो जाएगा हमारा यहाँ से यहाँ। टोटल कितना है, 6 है, तो हमारा क्या होगा, ये 2 हो जाएगा, 2 2/6 गुना क्या कर देंगे, 150, तो यहाँ से क्या आ जाएगा हमारा, 50 आ गया, यहाँ से निकल गया ना, इसका निकल गया 50 निकल गया ना, एल तो 50 एल निकल गया। अगर करने वैल्यू पुट करते चले जाना, हमको आंसर आ जाएगा, ओके। तो वैल्यू पुट करेंगे, ध्यान दे रहे हैं, यहीं पे करते हैं, ठीक है। क्या आ गया हमारा, सबका वैल्यू निकल गया, ये कितना आ गया, 50 आ गया। सबको वैल्यू पुट करना शुरू करते हैं, पाई है, पाई वैल्यू 22/7 गुना r+r करेंगे कितना, ये 15 है, कितना है, 45 है, 15 45 जोड़ देंगे कितना जाएगा हमारा, 60 हो जाएगा, गुना एल कितना है हमारा, 50 है, प्लस पाई हमारा 22/7, आर हमारा कितना हो जाएगा, 15 का 225 प्लस फिर क्या जाएगा, 22/7 आर स्क्वायर, ये वाले बड़े वाले का 45 का स्क्वायर कर देंगे तो कितना जाएगा हमारा, 300 आ गया हमारा ठीक है। अब इसको सोल्व करते हैं, सोल्व करेंगे तो लगभग हम क्या करते हैं ना, पाई कॉमन ले लेते हैं, पाई कॉमन ले लेंगे तो 22/7 हो जाएगा। यहाँ कितना आ जाएगा हमारा, 3 × 30 = 20 प्लस क्या हो जाएगा, 225 है प्लस कितना हो जाएगा, 20 25 है, जोड़ देंगे सबको, जोड़ देंगे तो क्या जाएगा, 22/7 हो गया। जोड़ रहे हैं, 3 × 2 = 5000 हो गया, 5250 हो जाएगा, ठीक है। ये आ गया, गुना ये हमारा है, इसको सोल्व करेंगे तो, इसको सोल्व करेंगे तो मैं कहेगा पूरा पूरा नहीं कटेगा, लगभग में आएगा, ठीक है। अगर इसको देखेंगे, इसको अगर सोल्व करेंगे ना तो हमारा क्या जाएगा, पूरा पूरा नहीं कटेगा, लगभग में आएगा। कटेगा क्या हमारा, 7 से कटेगा, 7 × 49 कट जाएगा ना, 7 से कट जाएगा, सॉरी 7 × 49 हो जाएगा, और 3 हो गया ना, 35 × 7 = 35 0 22 × 5 = 0 11 22 × 7 = 154 11 कितना हो जाएगा, 165 हो जाएगा। तो कितना जाएगा, 65 165 00 165 00 का है, ऑप्शन बी में यही मरखा हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा इसमें कैलकुलेशन था, थोड़ा लंबा था, ठीक है, समझना था, समझ में आ जाता एक बार में तो बनना आसान था।
ठीक है, समझ में कैसे करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, 14 नंबर, क्या बोल रहा है, वॉल्यूम ऑफ ए सिलेंडर दिया गया है इतना, ओके कट सरफेस एरिया क्या बोल रहा है कि 1/3 ऑफ द टोटल सरफेस एरिया, पूरा कट सरफेस एरिया बताएं, ठीक है। वॉल्यूम दिया गया है ना, वॉल्यूम क्या होता है हमारा, पाई आर स्क्वायर, आर आर तो दिया गया ही नहीं, आर स्क्वायर एच बराबर कितना हो गया 1/2, ठीक है ये हो गया। आगे क्या बोला गया है कि जो कर्व सरफेस एरिया है क्या 1/3 ऑफ द टोटल सरफेस एरिया, तो कर्व सरफेस एरिया क्या होता है 2πr h होता है, और क्या गया 1/3 ऑफ टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया क्या होता है 2πr into h plus r होता है, यही होता है ना। अब ध्यान देंगे 2πr से 2πr कट जाएगा, ठीक है। तो अगर इसको सोल्व करेंगे, ध्यान दे रहे हैं, यहाँ सोल्व करेंगे ना, तो सोल्व करेंगे तो इसको 22 से काटते हैं, 22 से कहीं 22 कितना हो जाएगा हमारा 22 से कहीं 22 ये हो गया हमारा 22 मतलब 21 22 9 6 मतलब इतना जाएगा हमारा, इसको लिख सकते हैं ना आर स्क्वायर एच बराबर क्या आ गया 196 × 7। या तो यहाँ कंपेयर कर लीजिए या तो इसको भी सोल्व कर लीजिएगा, हमारा आंसर आ जाएगा, ध्यान देंगे। अगर यहाँ कंपेयर करेंगे देखा जाएगा तो आर स्क्वायर एच है ना, तो इसको मान लेते 14 का स्क्वायर मतलब आर बराबर क्या जाएगा हमारा 14 हो जाएगा, एच बराबर क्या जाएगा 7 हो जाएगा अगर यहाँ कंपेयर करेंगे, ठीक है। अगर नहीं भी तो अगर इस पर हम लोग रखेंगे भी तो भी हमारा क्या जाएगा वही आंसर आ जाएगा, यहाँ भी सोल्व करेंगे ना इसको भी तो वही हमारा आंसर आएगा, ठीक है। क्या करते हैं यहीं कंपेयर करते हैं, इसका आर का वैल्यू क्या ले लेते हैं 14 हो गया हमारा, एच कितना हो गया 7 हो गया, बस क्या निकलना था कर्व सरफेस एरिया निकलना था, तो क्या होता हमारा 2πr h क्या होगा 7 से 7 कट गया, गुना कर देंगे 22 गुना 22 दूनी 44 गुना काट कर देते हैं 14 × 14 = 56 5 × 14 = 56 + 5 = 61 मतलब 616 दिया, 616 कहाँ है ऑप्शन नंबर डी, यही हमारे यहाँ जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि 2πr कट जाएगा मतलब एच बचेगा यहाँ पर, सिर्फ एच रहेगा, ओके यहाँ पर भी सोल्व कीजिएगा ना तो हमारा वही आंसर आ जाएगा, इसको भी सोल्व कीजिएगा तो आ जाएगा वही। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि सॉलिड मेटल का स्फीयर है, ठीक है, जिसका रेडियस 4 सेंटीमीटर है और जिसको पीला करके बोला जा रहा है कि 2 सेंटीमीटर वाला स्फीयर बनाया जा रहा है, ठीक है। तो रेशियो निकालना किसका सरफेस एरिया ऑफ द ओरिजिनल पहले वाला जो था और उस किसका जो नया बन रहा है सम ऑफ द सरफेस एरिया जो नया बन रहा है उसका, ध्यान देंगे पीला करके बनाया जा रहा है ना, तो हमें पता करना पड़ेगा कितना ये बन रहा है क्योंकि ये क्या दिया गया है उसका रेडियस दिया गया है। तो क्या करते हैं हम जब भी नंबर ऑफ निकालते थे इसका वॉल्यूम बाई इसका वॉल्यूम करते हैं, तो क्या होता है हमारा 4/3πr³ मतलब 4³ = 64 बड़ा क्या हो जाएगा 4/3πr³ मतलब 2³ करेंगे तो 8 हो जाएगा, 2π 4/3π से 4/3π कट गया दे काट देंगे क्या 8 हो जाएगा, 8 क्या बनेगा स्फीयर बन जाएगा हमारा, 8 स्फीयर बन गया, ठीक है। तो क्या बोला गया था हमारा सरफेस एरिया निकालना है ओरिजिनल वाले, ओरिजिनल कितना हो जाएगा हमारा 4πr² होता है मतलब 4 का स्क्वायर करेंगे क्या जाएगा हमारा 16, ठीक है। तो नया क्या बन जाएगा हमारा 8 को बनेगा कितना 4πr² मतलब 2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या जाएगा हमारा 4 हो जाएगा, बस इसको काट देना है 4π से देख रहे 4π कट जाएगा, 4 से काटते हैं 4 × 16 4 से काट देंगे ये दो बार में कट जाएगा मतलब क्या जाएगा 1:2 आ जाएगा, ये हमारा क्या जाएगा आंसर हो जाएगा 1:2 का है यहाँ हमारा क्या जाएगा यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आज का सेशन हम लोग इतना रखते हैं, आज थोड़ा सा कम ही क्वेश्चन हो पाए हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्लास हम कोशिश करेंगे और भी क्वेश्चन लाएंगे, इसको ख़त्म करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ओके। तो तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।